तलवार की धार से ना गोलियों की बोछार से बनना डरता है तो सिर्फ परवर दिगार एक ऐसे एक्टर जिनके अखर स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया एक करोड़ का माल लपेट लिया था अब हमारी बारी है हम कुत्तों से बात नहीं करते एक ऐसे कलाकार जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपनी पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते हम ही चुरा लेते हैं एक ऐसा अभिनेता जिनकी एक्टिंग के अलावा उनके डायलॉग लोगों की ज़ुबान पर चढ़े होते थे। के बच्चों के खेलने की चीज नहीं हाथ कट जाए तो खून निकल आता है उनका खास अंदाज फिल्म को हिट कराने की गारंटी होती थी सेट, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते क्या आप यकीन मानेंगे कि एक बार गोविंदा की शर्ट उतरवा कर उन्होंने उसका रुमाल बना डाला था क्योंकि उन्हें वो शर्ट बहुत पसंद आई थी हम तुम्हें ऐसी मौत मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस से उड़ जाएगी और आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि तिरंगा की शूटिंग के दौरान राजकुमार और नाना पाटेकर की भिड़ंत से निर्देशक की नींद हराम हो जाती थी बिना पता चला आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग आप नरम खुन के मैं गर्म खुन का हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर क्या आप मानेंगे कि एक बार डायरेक्टर का चेहरा पसंद नहीं आने पर इस कलाकार ने उनकी फिल्म ही नहीं की और क्यों राजकुमार के कुत्ते ने भी फिल्म को करने से मना कर दिया अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी क्या थी ये कहानी ये भी आपको बताएंगे और कैसे हेमा मालिनी को देखते ही राजकुमार उन्हें दिल दे बैठे थे आगे क्या हुआ था वो बताएंगे आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा हो जाएंगे और क्या था किस्सा मीना कुमारी और राजकुमार के लव एंगल का बताएंगे सब कुछ तो चलिए शुरू करते हैं राजकुमार के फिल्म में किस्से मेरे यानी आदेश के साथ में हम चल घर जल्दी हो गई दे। नमस्कार मैं आपके साथ आदेश सिंह राठौर 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हमें मारने की बात तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देगी इसी बीच एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर आप रंग ढंग और कथकाठी में किसी हीरो से कम नहीं है फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई फिर क्या था उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया की तरफ रुक गया उन्नीस में राजकुमार ने फिल्म रंगीली से डेब्यू किया फिर एक समय ऐसा आया कि राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकार बन गए कि उन्हें 80 के दशक में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले उनके खास अभिनय को देखते हुए लाखों करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे ना तलवार के धार से न गोलियों के बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरधिकार से और जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा इन डायलॉग्स को कर आप समझ ही गए होंगे कि राजकुमार अपने आप में क्या थे फिल्म इंडस्ट्री में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार को दुनिया जानती है उनकी रोबेली आवाज और यूनिक पर्सनालिटी के चलते राजकुमार ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है पाकिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण नाथ पंडित था फिल्मों में आने के बाद एक्टर ने अपना नाम राजकुमार रख लिया था एक बार अपने समय के मशहूर फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखते हुए राजकुमार को देखा राजकुमार के पर्सनालिटी को देखकर सोहराब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की ये आपको हम बता रहे हैं राजकुमार को फिल्म कैसे मिली अपने सपने के इतने करीब होने के बाद भी राजकुमार ने सोहराब के उस ऑफर को ठुकरा दिया था राजकुमार ने साल उन्नीस में आई फिल्म रंगीली से बॉलीवुड में कदम रखा था इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा राजकुमार की किस्मत उन्नीस में आई प्रोड्यूसर सोहराब की फिल्म नौशे दिल से चमकी थी इसके बाद उन्हें सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया में कास्ट किया गया था उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है राजकुमार ने अपने करियर में सिर्फ सत्तर फिल्मों में काम किया जिसमें सौदागर तिरंगा जैसी कई सुपरहिट फिल्में हैं वो फिल्मों में भी एक राजकुमार की तरह अपना किरदार निभाते थे फिर चाहे उनका किरदार बहुत छोटा ही क्यों ना हो वो उस किरदार को इस तरह से निभाते थे कि वो लोगों के दिलों में बस जाते थे राजकुमार के तुनक मिजाजी के किस्से आज भी इंडस्ट्री में मशहूर हैं और आज एक ऐसा ही किस्सा अब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ये किस्सा एक डिनर पार्टी से जुड़ा हुआ है जहां राजकुमार को बतौर गेस्ट इनवाइट किया गया था असल में राजकुमार की एक्ट्रेस वहीदा रहमान से अच्छी बॉन्डिंग थी और दोनों फिल्म उल्फत की नई मंजिल नाम के फिल्म में काम कर रहे थे कहते हैं कि एक दिन वहीदा ने राजकुमार को खाने पर घर बुलाया था यही नहीं खाने पर एक्ट्रेस साधना भी इनवाइटेड थी कहते हैं कि राजकुमार वहीदा रहमान और साधना के बीच काफी हंसी मजाक हुआ और कुछ देर बाद खाने की बारी आई टेबल पर खाना लग चुका था ऐसे में वहीदा वहीदा रहमान ने ने राजकुमार राजकुमार को खाने पर चलने के लिए के लिए कहा कहा मीडिया रिपोर्ट्स माने तो राजकुमार ने और साधना से कहा कि आप लोग खाइए कहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वही जवाब मिलने पर वहीदा रहमान ने राजकुमार से पूछा कि खाना तो खाते हो ना आप कहते हैं कि इस सवाल के जवाब में राजकुमार ने अपने चिर अंदाज में कहा कि जानी हम खाना जरूर खाते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी खा लें खबरों के माने तो राजकुमार के ये तेवर देखकर न सिर्फ साधना और वहीदा रहमान बल्कि वहां मौजूद अन्य लोग भी हैरान रह गए थे राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि अच्छे अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज के कायल थे

राजकुमार ने इस फिल्म के लिए महज इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा की शक्ल पसंद नहीं थी इसके बाद यह फिल्म अमिताभ बच्चन की झोले में जा गई इस फिल्म ने अमिताभ को रातों रात स्टार बना दिया था राजकुमार से जुड़े ऐसे कई अजीब और गरीब किस्से हैं जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं उनकी अजीब आदतों की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें सनकी भी बुलाते थे एक बार राजकुमार ने तो हद कर दी थी अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर रामानंद सागर अपनी दोस्त, दोस्त राज के पास पहुंचे और स्क्रिप्ट पढ़ने को दी राजकुमार ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अपने कुत्ते को बुलाया और उसको कहा कि क्या तुम ये फिल्म करना चाहते हो तो उनके कुत्ते ने में सिर हिलाया था तब राजकुमार ने कहा था देखा ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा इसके बाद यह फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई और फिल्म सुपर हिट साबित हुई तब से लेकर रामानंद ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया राजकुमार बहुत ही सीक्रेटिव शख्सियत थे वो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उनकी निजी जिंदगी कभी बाहर ना आए राजकुमार उन सितारों में शामिल थे जिनका नाता अफेयर से कोसो दूर था लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि राजकुमार का दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो राज हेमा के इस कदर दीवाने थे कि जब उन्हें फिल्म लाल पत्थर के लिए कास्ट किया गया था तब राज ने एफसी मेहरा से वेजिंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने की जिद की थी हालांकि हेमा के पास जब इस फिल्म का प्रपोजल पहुंचा तो एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया था तब राज ने खुद जाकर हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने की गुजारिश की थी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गए थे वहीं हेमा भी राजकुमार के यूनिक अंदाज से काफी आकर्षित थी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था लेकिन हेमा ने उस प्रपोजल को कभी स्वीकार नहीं किया और राजकुमार का दिल टूट गया था राजकुमार वैसे तो काफी सख्त मिजाज के थे लेकिन उनका दिल बॉलीवुड की एक दो अभिनेत्रियों के लिए धड़का था इनमें हेमा के अलावा अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस मीना कुमारी भी थी कहा तो यहां तक जाता है कि जब राजकुमार मीना के साथ फिल्म पाकिजा में काम कर रहे थे तो वो उन्हें देखकर अपना डायलॉग तक भूल जाते थे लेकिन उस वक्त मीना पहले से ही शादीशुदा थी और उनके पति कमल अमरोही की वजह से राजकुमार का प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सका हेमा और मीना से प्यार न मिलने पर राजकुमार ने जेनिफर उर्फ गायत्री से शादी रचाई थी और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनसे प्यार किया राज और जेनिफर के तीन बच्चे हुए जिनका नाम पुरु राजकुमार राजकुमार और वास्तविकता है राजकुमार के तीनों बच्चों ने एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया राजकुमार का गोविंदा से जुड़ा भी एक किस्सा बहुत मशहूर है यह किस्सा गोविंदा की शर्ट से जुड़ा हुआ है दरअसल अभिनेता राजकुमार गोविंदा की शर्ट को रुमाल बनाकर जेब में लेकर चलने लगे थे अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हुआ चलिए आपको बताते हैं ये बात के दशक की है उस वक्त गोविंदा और राजकुमार फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे शॉट देने के बाद अभिनेता गोविंदा राजकुमार के साथ बैठे गोविंदा ने जो शर्ट पहनी थी वो राजकुमार को पसंद आ गई ये बात जब राजकुमार ने गोविंदा को बताई तो उन्होंने फौरन अपनी शर्ट उतारकर उन्हें दे दी कुछ दिन बाद राजकुमार गोविंदा की इसी शर्ट का रुमाल अपने जेब में डालकर घूम रहे थे गोविंदा और राजकुमार की फिल्म जंगबाज साल उन्नीस में रिलीज हुई थी इस फिल्म में राजकुमार के अलावा प्रेम चोपड़ा शक्ति कपूर क्वेश्चन चटर्जी और राज किरण भी थे राजकुमार और जीनत से जुड़ा भी एक किस्सा जो है वो बहुत मशहूर है ये किस्सा उस वक्त का है जब दम मारो दम जैसे गानों के साथ बॉलीवुड में जीनत अमान तेजी से उभर रही थी हर ओर जीनत की चर्चा चल रही थी कहा जाता है कि एक पार्टी में जीनत ने राजकुमार को देखा इसके बाद वो खुद ही मिलने उन्होंने सोचा होगा कि मैं इतनी मशहूर हो रही हूं। जरूर राजकुमार तारीफ करेंगे पर आगे जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था वो तो राजकुमार ही ठहरे उन्होंने जीनत से मिलने के बाद कहा था तुम तो बहुत खूबसूरत हो फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो यह सुन जीनत हैरान रह गई अब बात राजकुमार और नाना पाटेकर के किस्से की उन्नीस में आई फिल्म तिरंगा में राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार निभाया था फिल्म में इंस्पेक्टर बने नाना पाटेकर ने भी उनका अच्छी तरह साथ निभाया था पर इन दो गर्म मिजाज एक्टर को कास्ट करने से पहले निर्देशक प्रोड्यूसर मेहुल कुमार चिंतित थे उन्हें डर था कि जानी और नाना सेट पर आपस में भिड़ न पड़े फिल्म में राजकुमार का नाम पहले से ही तय था पर नाना बाद में इसमें शामिल हुए निर्देशक को कई लोगों ने समझाया था कि अगर दोनों को साथ काम कराओगे तो पता नहीं तिरंगा लहराएगा भी या नहीं निर्देशक ने नाना पाटेकर को आश्वासन दिया था कि स्क्रिप्ट का एक अक्षर भी नहीं बदला जाएगा जब मेहुल ने यह बात राजकुमार के सामने दोहराई थी तो राज साहब ने हंसते हुए कहा था क्या मैंने कभी दखल दिया है बता दें कि तिरंगा छह महीने में बनकर तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता पाई थी अब आपको राजकुमार और रजनीकांत से जुड़ा एक किस्सा जो है वो आपको बता दे। एक बार सुपरस्टार रजनीकांत को उनके साथ फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने राजकुमार का नाम सुनते ही फिल्म के लिए मना कर दिया दरअसल तिरंगा फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा जो है वो बेहद रोचक है एक बार सुपरस्टार रजनीकांत को भी तिरंगा में काम करने का ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने राजकुमार का नाम सुनते ही फिल्म के लिए मना कर दिया साल उन्नीस में मेहुल कुमार के निर्देशक में फिल्म तिरंगा आई इस फिल्म में राजकुमार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के रोल में दिखे थे और नाना पाटेकर भी थे नाना पाटेकर ने इसमेंटर शिवाजी का कर किरदार निभाया था हालांकि इंस्पेक्टर शिवाजी का किरदार नाना पाटेकर से पहले सुपरस्टार रजनीकांत को ऑफर हुआ था फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने इस बारे में एक अपने इंटरव्यू में बताया था उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शिवाजी का रोल रजनीकांत को ऑफर किया तो यह किरदार उन्हें बेहद पसंद आया था हालांकि जब उन्हें इस बारे में मालूम हुआ कि फिल्म में राजकुमार भी हैं, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। के कहा कुछ मसला हो गया तो रजनीकांत के बाद इस किरदार की पेशकश नसरुद्दीन शाह को भी दी गई थी लेकिन राजकुमार के कारण ही उन्होंने इससे स्वीकार नहीं किया जिसके बाद आखिर में नाना पाटेकर इस रोल में नजर आए राजकुमार ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने न केवल अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छुपा कर रखा बल्कि उन्होंने अपने अपने गले के कैंसर की बात बात भी अपने फैंस और मीडिया से कर रखी थी ये सिर्फ उनके बेटे पुरु को पता थी उन्होंने आखिरी समय में अपने परिवार को इसकी जानकारी दी अपने लाजवाब अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार ने तीन जुलाई उन्नीस को महज उनहत्तर साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि जब भी नया वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुंचे हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार मुझे यानी आदेश सिंह राठौर को इजाजत दीजिए नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया